गवर्नमेंट ने अगर ये पॉलिसी बनाई है तो उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बेनिफिट मिले, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। अमेंडमेंट की अगर बात करें तो उसमें जरूर है कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ के लिए बॉम्बे वाले या दूसरी लैंग्वेज वाले यहाँ पे उस बेनिफिट को लेने के लिए नहीं आएंगे। क्यों? उनका बजट ऑलरेडी 70 करोड़ 80 करोड़ होता है, वो 1.5 करोड़ के लिए यहाँ पे नहीं आएंगे। ये 1.5 करोड़ हमारे लोकल लोगों के लिए है जो कि हमें मिसकंसेप्शन अभी पैदा हो रही है। हाँ जरूर है कि फिल्म पॉलिसी में अमेंडमेंट की जो मेरी राय अपनी मैं मानता हूँ, पता नहीं उससे लोग इतफाक रखें या ना रखें, हमें शुरुआत से पहले शुरू होना चाहिए। शॉर्ट फिल्म्स में भी काम अमेंडमेंट होनी चाहिए, 5 मिनट की 2 मिनट की, इसमें स्क्रिप्ट अप्रूव की जाए, उस पर बजट डिस्कस किया जाए ताकि नए मेकर्स को भी इसमें चांस मिले। 5 को फिल्म नहीं बनाए, एक इंडस्ट्री के तौर पे इसको हम नया डेवलप करें। 2 से 4 होंगे 4 से 10 10 से 1000 होंगे, 1000 इंडस्ट्री बनेगी तो सबको, कितने लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। हम लोगों ने इस साल में 7 वेब सीरीज और 3 फीचर फिल्में की जो सिर्फ जम्मू में शूट की हैं, जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में शूट की हैं, पूंछ, रजौरी, भद्रवाह, जहाँ पे कोई नहीं जाता है, और आपके टूरिज्म में जब हमें परमिशन लेने आते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं। इसलिए मैं इतना जो एग्रेसिव होकर बोल रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ, हमारे हमारे जम्मू का फोटो आना चाहिए था, हमारे भद्रवाह का फोटो आना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ पूंछ रजौरी की इतनी खूबसूरत जगह है उनका आना चाहिए था, लेकिन ये गवर्नर साहब सरकार को देखना है, उन्होंने अगर हमारे साथ भेदभाव किया हमें भी बुरा लगा। ये मैंने आपसे पहले अपने फिल्म मेकरों से इस चीज़ की बात की कि कम से कम हमारे प्रोविंस जम्मू में किसी एक जगह का भी फोटो आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बट अगर ऐसा भेदभाव सरकार हमारे साथ करती है तो नहीं करना चाहिए। बट होता क्या है कि कई बार अगर मैं कश्मीर के बारे में बोलूँगा वो हमारे बारे में बोलूँगा, हम लोगों को इन चीज़ों से हट के काम करना है। देखिए आज ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमने इसलिए रखी कि आपको पता ही होगा कि हाल में ही हमारे गवर्नर साहब ने वजूद में फिल्म पॉलिसी लाई है, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जनाब गवर्नर साहब का कि उन्होंने हमारे स्टेट में इस फिल्म पॉलिसी को वजूद में लाया है और हमारे फिल्म मेकरों को इससे हिम्मत मिली है, और आने वाले वक्त में हमारे जितने नौजवान फिल्म मेकर हैं वो फिल्में बनाएंगे, यहाँ का माहौल चेंज होगा, यहाँ पे बॉलीवुड के लोग आएंगे, यहाँ पे लोकल रीजनल सिनेमा जो है वो काम करेगा, और उसी के साथ साथ अगर मेरे बहुत सारे जो फिल्म मेकर भाई हैं कि रीजनल सिनेमा को लेके उन्होंने कहा कि बात करनी है, अगर कहीं लगता है कि रीजनल सिनेमा को कुछ नहीं बनाया है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको अमेंडमेंट किया जाए, उसके लिए सोचा जाए। और तीसरी बात कि यहाँ पे एक रीजनल लेवल पे OTT प्लेट जो है प्लेटफॉर्म जो खोला जाए जिसको हमारी फिल्में बने और पूरी ग्लोबल वाइज देखी जाए, हमारी फिल्मों को हमारे कल्चर को हम ग्लोबल वाइज दिखाना चाहते हैं।